वाला बजट है, ये बजट फार्मर फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, बिजनेस एनवायरमेंट फ्रेंडली और साथ ही साथ डेवलपमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग उस पर भी फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, 21वीं सदी के भारत के लिए न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हेल्थ एश्योरेंस, यह सभी ईज ऑफ लिविंग की दिशा में ठोस कदम है। हमारे देश के किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और उनकी और आय को और बढ़ाने के लिए और उस दिशा में इस बजट में अनेक कदम प्रस्तावित है। गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है। 14.5 लाख करोड़, 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, 2.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर के आने वाले हैं। किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा मैं वित्त मंत्री जी विशेष रूप से सराहना करता हूं। किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ चर्चा करके एक पुख्ता व्यवस्था विकसित करेगी। सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक कारगर कदम साबित होने वाला है। हमने देखा है किस तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलवाया। हमारे देश में किसान जो सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, उनको भी इस नए हमारे कदम से बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे देश में उद्योग के विकास के लिए एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, और इससे हम सब परिचित हैं। अब देश के अलग अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्लस्टर अप्रोच के साथ हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के अलग अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को उसको ध्यान में रखते हुए उन जिलों की एक पहचान बनाकर उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि हमने मालूम है कुछ जिले होते हैं जो आलू पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं प्याज पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं कॉटन पैदा करते हैं,
तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना ये बड़ा व्यवहारू कदम है। हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनकम टैक्स में छूट है, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ जो आज देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसानों के संगठन के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन इनको ये लाभ नहीं मिलता था। अब जो लाभ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है वो लाभ इनको भी मिलेगा, और इसलिए किसानों की मदद के लिए जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट देने का निर्णय बहुत प्रशंसनीय है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ ऑर्गेनिक, एरोमेटिक, हर्बल, जो हमारे यहां वैद्य लोग जो जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, इनकी खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसी तरह गोबर धन योजना, गोबर मलमूत्र पशु का, गोबर धन योजना गांव को स्वच्छ रखने के साथ साथ किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे यहां किसान खेती तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़े और भी अलग अलग व्यवसाय करता है। कोई मछली पालन करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई मधुमक्खी का पालन करता है। ऐसे अतिरिक्त कामों के लिए बैंकों से कर्ज लेने में किसानों को कठिनाई होती रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब मछली पालन और पशुपालन के लिए भी लोन की व्यवस्था किया जाना एक बहुत दूरगामी प्रभावी कदम है। भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब करीब 7000 ब्लॉक कहो या प्रखंड कहो, ऐसा अपना व्यवस्था है। इन ब्लॉक में लगभग 22000 ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से और किसानों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक बड़ा ही एग्रेसिव कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा जोर लगा हुआ कार्यक्रम हाथ में लिया है। आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के ये नया ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर करके आएंगे। वो अगल बगल के 5-7 गांवों की अर्थनीति को खींच ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को सिर्फ गांव के किनारे तक जोड़ना ऐसा नहीं, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को ग्रामीण हाट हो, वहां कोई उच्च शिक्षा का केंद्र हो, वहां कोई अस्पताल हो, वहां पंचायत का घर हो, इन सब के साथ अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांव के इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना करके विकसित किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा। हमने ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना में भी देखा है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला सक रही है,
बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े समाज के लोग हो, उन्हीं को मिल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए इस बजट में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमेशा से निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है, बीमारी में क्या करना, बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को, जिसको हम कहें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, निम्न गरीब, मध्यम वर्ग, इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उससे चिंता कराने की, चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलने वाला है, यानी करीब करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे, इसके दायरे में आएंगे। इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकारी खर्च से शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है, हेल्थ केयर योजना है। देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना का करने का कदम भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होगी। देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही, साथ साथ युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश के हर 3 संसदीय क्षेत्रों के बीच, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज अवश्य हो। इस बजट में सीनियर सिटीजन्स, उनकी अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8% का ब्याज प्राप्त करेंगे। ब्याज कम अधिक होने का असर उन पर नहीं होगा। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर
50,000 रुपये तक के ब्याज अगर उनको मिलता है, उनकी कमाई होती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य बीमा के 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर 1,00,000 रुपये तक जो खर्च होगा, तो खर्च पर इनकम टैक्स से भी राहत दी गई है। लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको हम एमएसएमई के रूप में जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर इन एमएसएमई को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एसएमई के टैक्स रेट में 5% की कटौती कर दी है। अब इन्हें 30% की जगह 25% टैक्स देना पड़ेगा। एमएसएमई उद्योगों को आवश्यक पूंजी मिले, आवश्यक वर्किंग कैपिटल मिले, इसके लिए बैंक एवं एनबीएफसी के द्वारा ऋण की व्यवस्था को और आसान कर दिया गया है। इस प्रकार मेक इन इंडिया के मिशन को भी एक नई ताकत मिलेगी। बड़े उद्योगों में एनपीए के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार बहुत ही जल्द एमएसएमई सेक्टर में एनपीए और स्ट्रेस्ड अकाउंट की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने एक दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया है। इससे इनफॉर्मल से फॉर्मल की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा, साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब सरकार नए जो श्रमिक होंगे, नए श्रमिकों के ईपीएफ अकाउंट में 3 साल तक 12% का योगदान स्वयं सरकार देगी। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिले और उनकी टेक होम सैलरी बढ़े, इसके लिए जो नई महिला कर्मचारी, महिला श्रमिक जिनका 3 वर्ष के लिए ईपीएफ में योगदान अब 12% से कम करके 8% किया जा रहा है। हालांकि इस अवधि में जो एम्प्लॉयर है, कारखाना का मालिक होगा, व्यापारी होगा, जो लोगों को रखता है, उसको तो 12% की उसकी जो जिम्मेवारी है वो तो उसकी पूरी भरपाई करनी होगी। कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है।
आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए सामान्य लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और विकास को स्थायित्व देने के लिए भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। रेल हो, मेट्रो हो, हाईवे हो, हाईवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, पावर ग्रिड हो, गैस ग्रिड हो, सागरमाला हो, भारतमाला हो, डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, यानी ऐसे काम है जो मैं समझता हूं नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके लिए विकास बजट में बहुत बड़ा बल दिया गया है। इनके लिए लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ने वाली है। उसी प्रकार से वेतनभोगी मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स राहत के लिए भी जो सैलरीड क्लास है उनको जो राहत दी गई है उसके लिए भी मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं। यह बजट हर भारतीय की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। इस बजट ने सुनिश्चित किया है किसानों को फसल की अच्छी कीमत, कल्याणकारी योजनाओं से गरीब के उत्थान को संबल, टैक्स पेइंग सिटीजन की ईमानदारी का सम्मान, राइट टैक्स स्ट्रक्चर से उद्यमियों की मेहनत को समर्थन, देश के लिए सीनियर सिटीजन के योगदान की वंदना। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने वाले और न्यू इंडिया की नींव को और मजबूत करने वाले इस बजट के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास इस बजट के बाद और मजबूत हुआ है।